तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वन पे। और आज मैं चेतन सिकुजा लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि आई है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, NVS के नाम से। आप इन सभी को, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते हैं, और इसमें अभी नॉन टीचिंग पोस्ट निकली हैं। ये पहली रिक्रूटमेंट ड्राइव है। बहुत टाइम से एंटिसिपेशन था कि NVS की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, और वो फाइनली आउट हुई है, लेकिन अभी पहले आई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसके बाद हमें उम्मीद है कि टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसीज आएंगी। तो ये जो इसमें पोस्ट निकली है, मेजर पोस्ट निकली है, वो फीमेल स्टाफ नर्स की निकली है, जिनमें एक अच्छा नंबर है, जिसको कह सकते हैं 121 टोटल वैकेंसीज निकली हैं फीमेल स्टाफ नर्स की। और उसके बाद जो मेजर निकल रही है, वो मेस हेल्पर की निकली है। मेस में जो हेल्पर वगैरह की पोस्ट, उस पर निकली है, और जूनियर सेक्रेटेरिएट की निकली है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA के नाम से निकली है, वो भी एक मेजर अनाउंसमेंट है। बाकी जो निकली हैं वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट हैं, उनमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कम है, लेकिन ओवरऑल एग्जाम पैटर्न सब में सेम है। कुछ कुछ डिफरेंस है, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या पैटर्न है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। तो बात करें हम सबसे पहले स्टाफ नर्स की पोस्ट की। इसमें जो निकला है पे स्केल लेवल 7 है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स है, ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, 35 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो BSc इन नर्सिंग मांग रहे हैं। उसके अलावा डिज़ायर्ड है हिंदी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है, और एज लिमिट है 23 से 33 ईयर्स, 23 ईयर्स टू 33 ईयर्स। लेवल 6 की ये जॉब है। बाकी ऑडिट असिस्टेंट की निकली है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की निकली है, स्टेनोग्राफर है इसमें, साथ में केटरिंग सुपरवाइज़र है। अब जो मेजर जो आई है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की आई है, इसकी दो जगह पोस्टिंग हो सकती है, नवोदय स्कूल में भी हो सकती है और हेडक्वार्टर्स कैडर में भी हो सकती है। तो दो तरह की पोस्ट है, ये लेवल 2 की जॉब है, और इसमें जो एज लिमिट मांग रहे हैं वो 18 to 27 है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें जो मिनिमम आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो +2 है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट +12 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड प्रोसेस्ड, मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 25 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए हिंदी में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो डिजायरेबल इन दिस, वैसे 10+2 ही मांग रहे हैं ये मेजरली। और जो इसके बाद जो एक मेजर पोस्ट निकली है, एक लैब अटेंडेंट की भी है, लैब अटेंडेंट की भी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है, इसमें भी 12th क्लास का ही क्राइटेरिया है, और एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट, वो मेस हेल्पर की है। मेस हेल्पर ये लेवल 1 की जॉब मिलेगी आपको इसमें, बिटवीन एज लिमिट है इसमें 18 to 30 ईयर्स, और 10th पास ही इसमें मेजर रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और वर्किंग इन अ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हीं के लिए ये, मतलब क्वालिफिकेशन, उसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस की भी मांग रहे हैं, और ये जो आपकी पोस्ट होनी, मतलब ये जो आपकी वर्किंग होनी चाहिए, किसी गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में ही होनी चाहिए, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उन्हीं में आपको कुछ एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ में आपके एग्जामिनेशन सेंटर डले हैं। ये सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, और आप अपना फॉर्म भरते समय ये बहुत चीज़ें सिलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना है, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको लास्ट मिनट में अननेसेसरीली ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ जाएगा। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की कुछ 5-6 सिटीज़ हैं, अंडमान में है, असम की 3 सिटीज़ हैं, अरुणाचल प्रदेश में है, बिहार की 6-7 सिटीज़ हैं ऐसी, चंडीगढ़ में है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली में है सेंटर, गोवा में है, गुजरात की कुछ सिटीज़ हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, तो मतलब लगभग सभी स्टेट्स में इनके सेंटर्स डले हुए हैं। ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सभी में सेंटर्स डले हैं। तो अब बात करते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। 3 पोस्ट की हम मेजर डिस्कशन करेंगे इसमें। सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में आपका जो टोटल, जो आपका जो टेस्ट होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। पहला पार्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी, इसके 15 क्वेश्चन आपको आएंगे, 15 ही मार्क्स आपको, इसके टोटल मार्क्स 15 ही रहेंगे। फिर दूसरा जो आपका होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा,
ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा, दूसरा आपका उसके जो है 15 ही क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के, और 15 ही उसके मार्क्स होंगे। तीसरा जो है आपका लैंग्वेज की, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों है, इंग्लिश और हिंदी दोनों है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन ईच हैं, टोटल 20 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो आपकी बात करेंगे, नेक्स्ट आपका इसमें जो मेजर पार्ट है वो सब्जेक्ट की नॉलेज है, सब्जेक्ट की नॉलेज इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड होगी, नर्सिंग का ही मेजर पूछा जाएगा आपसे, नर्सिंग के कुछ 14-15 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन होगी, उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका इसमें मेजर कॉम्पोनेंट रहेगा, 70 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चन जो हैं वो नर्सिंग एप्टीट्यूड के ही रहेंगे। नेक्स्ट की जो पोस्ट हमने बात करनी है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, इसमें जो टोटल आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें आपको मेजरली रीजनिंग का सेक्शन आएगा, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी, इसमें एनालिटिकल भी आ सकती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रहेंगे, और लैंग्वेजेस में दोनों हैं, जनरल इंग्लिश भी है और जनरल हिंदी भी है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस इसका भी मेजर पोर्शन है, 30 क्वेश्चंस इसके हैं टोटल, ये इसमें मार्क्स जो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो 130 हैं, 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के, 15-15 क्वेश्चंस दोनों आपकी लैंग्वेजेस के, और 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज के, ठीक है। और इसमें आपने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट चाहे JNV कैडर चाहे हेडक्वार्टर्स में किसी में भी भरा हो, एग्जामिनेशन पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट की बात करेंगे वो मेस हेल्पर की है, मेस हेल्पर में आपको टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 मार्क्स ही हैं मैक्सिमम, और रीजनिंग एबिलिटी है 15 क्वेश्चन की, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों 10+10 20 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वो 70 क्वेश्चन आएंगे 70 मार्क्स के। अब इसमें आपको क्या आएगा, मेजरली फूड के बारे में आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, फूड के बारे में मेजर पूछा जाएगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप एक मेस हेल्पर की जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको ये सब मतलब नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्लस साथ में रेसिपीज ऑफ इंडियन फूड्स एंड स्वीट्स ये भी आपको जाना मतलब आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे मेस को संभाल पाएंगे। तो ये है मेजर पोस्ट, जो तीन आपको पोस्ट उनके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताया टोटल। अब इसका फॉर्म डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, कभी भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, मंडे ट्यूसडे से हमारा यहाँ पे रेगुलर बैच शुरू हो जाएगा इसकी प्रिपरेशन के लिए, और पेड कोर्सेज भी हमारे शुरू हो जाएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ, आपको नेक्स्ट अपडेट पे मिलूँगा, और नेक्स्ट आपको और इसके बारे में भी और जानकारी अगर जैसे ही निकलती है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।